गुड मॉर्निंग स्मार्ट लर्नर्स, हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम एक ब्यूटीफुल थॉट से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश करना। किसी भी काम की सफलता के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब आप सब बच्चे अपना आज का काम करने के लिए रेडी हो जाइए। आप अपनी नव भारतीय बुक का लेसन नंबर 4 ओपन कर लीजिए। यह एक कविता है और इसका नाम है मेरा भारत देश। यह देशभक्ति की कविता है। इसमें कवि अपने देश भारत के बारे में बता रहे हैं कि मेरा देश भारत एक महान देश है और हम इस देश की मिट्टी में ही पलकर बड़े हुए हैं। इस कविता के कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। अब मैं आपको श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। ये देखिए, यह चित्र है कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का। उनका जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। वे प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे, मतलब वो गांधी जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत थे। वे कविता को ही अपना धर्म मानते थे। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर पुकारते थे कि लोग उन्हें प्यार से भवानी भाई कहकर बुलाते थे। कविता में आए कुछ कठिन शब्द देखिए। फर्स्ट नंबर पे है मातृभूमि। मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ हो उसे मातृभूमि कहा जाता है। नंबर 2, प्रकृति। प्रकृति मतलब कुदरत। नेक्स्ट है प्रभु। प्रभु मतलब भगवान, ईश्वर। नंबर 4, योग्य। योग्य का अर्थ होता है लायक। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अन्न। अन्न मतलब अनाज। नेक्स्ट पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है आदमी। तो आप इन शब्दों का उच्चारण करना और रफ नोटबुक पर इनकी रिटर्न प्रैक्टिस भी कर लेना। अब कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। मातृभूमि, जन्मभूमि। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिस देश में हमारा जन्म होता है वह हमारी मातृभूमि होती है। प्रभु का अर्थ है ईश्वर। पवन, हवा। अन्न, अनाज। आप भी इन सभी शब्दों को पढ़ना और इनके अर्थ याद कर लेना। अब मैं आपको कविता का अर्थ समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे सर्वनाम के बारे में, क्योंकि हम कविता में आए सर्वनाम शब्दों की भी पहचान करेंगे। ये देखिए, यह क्या है बताइए? यह एक गुड़िया है। गुड़िया कैसी है? गुड़िया सुंदर है। आप देखिए, गुड़िया ने कैसी फ्रॉक पहनी है? गुड़िया ने बहुत सुंदर फ्रॉक पहनी है। गुड़िया के बाल कैसे हैं? गुड़िया के बाल सुंदर हैं। गुड़िया ने कैसे जूते पहने हैं? गुड़िया ने गुलाबी रंग के जूते पहने हैं। और देखिए, गुड़िया ने बालों में क्लिप भी लगाया हुआ है। तो बच्चों देखिए, हमने गुड़िया के बारे में कौन कौन सी लाइनें बोली? गुड़िया बहुत सुंदर है, गुड़िया की फ्रॉक भी सुंदर है और यह गुलाबी है, गुड़िया ने गुलाबी रंग के जूते भी पहने हैं, गुड़िया के बाल काले हैं, गुड़िया ने क्लिप भी लगाया हुआ है। तो बच्चों देखो, मैंने जो वाक्य बोले हैं इसमें गुड़िया शब्द बार बार बोला है। तो बताओ, क्या ये सुनने में कुछ अटपटा नहीं लग रहा?
हम बार बार एक शब्द को रिपीट करते हैं तो वह सुनने में और अगर हम लिखते हैं तो लिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले देखिए, यह है एक गुड़िया है। उसके बाद हमने बोला गुड़िया सुंदर है, हम इसकी जगह क्या बोल सकते हैं? यह सुंदर है, गुड़िया के जूते गुलाबी हैं, इसके जूते गुलाबी हैं, गुड़िया ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी है। तो गुड़िया के की जगह हम क्या लिखेंगे? इसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी है, इसके बाल काले हैं, इसने क्लिप भी लगाया हुआ है। तो बच्चों, हमने जो ये शब्द प्रयोग किए हैं, यह, इसने, इसके, ये सारे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। इस तरह जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता कार्य समझेंगे और साथ साथ कविता में आए सर्वनाम शब्दों को भी सर्कल करेंगे। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए, हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा देश भारत एक महान देश है, इसमें हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग भाई भाई की तरह एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। हम सब भारत देश की मिट्टी में ही पलकर बड़े हुए हैं और इसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर रहने का अवसर दिया। कविता की पहली पंक्ति देखिए, आंख खोल कर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरी आंख खुलती है तो मैं मन ही मन भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो मुझे भारत देश में रहने का अवसर दिया है। देखिए, उपकार का मतलब होता है एहसान और प्रभु भगवान। तो देखिए, क्योंकि कवि भारत देश की धरती पर रहते हैं इसीलिए वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और इसके लिए वे भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। आप देखिए, जिन शब्दों को मैंने सर्कल किया हुआ है वे सर्वनाम शब्द हैं। देखिए, दूसरी पंक्ति में मैं, उसके बाद है तेरा, ये शब्द क्या है? सर्वनाम। आप भी अपने बुक में इन शब्दों को सर्कल कर लेना। अब अगला पद्यांश देखिए, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। देखिए, मातृभूमि का अर्थ क्या बताया था मैंने? जन्मभूमि। कवि कह रहे हैं कि मेरी जन्मभूमि भारत है, मैंने भारत देश की धरती पर जन्म लिया है, मैं भारत के योग्य बनूं और मैं भी भारत की सेवा करना चाहता हूँ और इस देश में रहने लायक बनना चाहता हूँ। क्योंकि जहाँ पर हम जन्म लेते हैं उस देश की मिट्टी में पलते हैं और हमारी मातृभूमि हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है, तो हमें भी अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूं और जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, यहाँ की प्रकृति मतलब कुदरत, यहाँ के पहाड़, नदियाँ, इन सबको अपना मानना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ के लोग और यहाँ के पशु आदि, ये सब मेरे अपने हैं, ये हम सब परिवार की तरह रहते हैं। जैसे परिवार में सब लोग एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान देते हैं, इसी तरह हमें भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि हमारा सारा देश एक है, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते। अगली पंक्ति देखिए, इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। देखिए कवि कह रहे हैं, इनका दुख यानी हमारे देश में रहने वाले लोगों का दुख, हमें आपस में एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को कोई दुख है तो हमें उसका दुख बांटना चाहिए और सुख में भी सबके साथ अपनी खुशी साझी करनी चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हमें साथ देना चाहिए। प्रभु ऐसा बल दो, बल मतलब शक्ति, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बापू का सपना पूरा कर सकूं। बापू महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो यही चाहते थे कि हमारे देश के सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें, और हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बापू का सपना पूरा कर सकूं। अब अगली पंक्ति देखिए, भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं भारत देश की जल हवा अन्न और मिट्टी में पलता हूँ। देखिए अन्न का मतलब है अनाज, पवन मतलब हवा, मैं जो भारत देश में जल है उसी को पीकर बड़ा हुआ हूँ, यहाँ का अन्न खाता हूँ, यहाँ की हवा में सांस लेता हूँ और मैं यहीं की मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। हे भगवान आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो मुझे इस देश में रहने का अवसर दिया है। देखिए इस कविता का क्या संदेश है, हमारा भारत देश महान है, कि हमारा देश सब देशों से बढ़कर है और यह एक महान देश है और हमें भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब हम करेंगे शुद्ध भाव ग्रहण। देखिए शुद्ध भाव ग्रहण का अर्थ है सुनकर किसी बात को समझना। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, आपने कहानी ध्यान से सुननी है और फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपने मुझे उन प्रश्नों के आंसर बताने हैं। तो कहानी ध्यान से सुनिए। एक रामी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ झोपड़ी में रहती थी। उसके पिताजी लोहे का सामान बनाते थे और उसकी माँ कपड़े के सुंदर सुंदर घोड़े बनाती थी। एक दिन रामी ने भी पीले रंग का कपड़ा लिया और एक घोड़ा बनाने लगी। उसका घोड़ा वैसे तो बहुत सुंदर बना लेकिन उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ था, लेकिन रामी को अपना बनाया हुआ घोड़ा बहुत सुंदर लगा। तो उसकी माँ जो घोड़े बनाती थी उन्हें अपने झोपड़ी के बाहर रखकर बेचती भी थी। तो रामी ने भी अपना घोड़ा उन सभी घोड़ों के बीच में रख दिया। एक दिन झोपड़ी के बाहर एक नैना नाम की लड़की आई। उसे रामी के द्वारा बनाया हुआ पीले रंग का घोड़ा बहुत पसंद आया और वह उस घोड़े को खरीदना चाहती थी। नैना की माँ ने रामी की माँ को उस घोड़े के बदले 50 रुपए दिए, लेकिन रामी उस घोड़े को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ ने वह घोड़ा नैना को दे दिया। इससे रामी को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। रामी को रोता हुआ देखकर नैना ने उसे अपनी एक सुंदर सी गुड़िया दे दी और कहा कि तुम इस गुड़िया के साथ खेलना। तो बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ और आप मुझे उनके आंसर बताना। अब देखिए पहला प्रश्न, रामी के पिता क्या बनाते थे, तो बताइए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप। लोहे का सामान आप लिखेंगे, लोहे का सामान बनाते थे। दूसरा प्रश्न देखिए,
रामी की माँ क्या बनाती थी? बताइए क्या बनाती थी? हाँ, वह कपड़े के सुंदर सुंदर घोड़े बनाती थी। अब थर्ड प्रश्न देखिए, नैना ने रामी को क्या दिया? अपनी एक सुंदर सी गुड़िया। नैना ने रामी को अपनी एक गुड़िया दी। फोर्थ प्रश्न देखिए, रामी का घोड़ा कैसा था? रामी का घोड़ा बहुत सुंदर था। इस तरह आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आप अपनी हिंदी की राइटिंग बुक हिंदी लेखन अभ्यास ओपन कर लीजिए। आज हम पेज नंबर 5 पर दिया हुआ सुलेख लिखेंगे। ये देखिए, इस तरह आप ब्लू लाइंस के बीच में हर एक वर्ड लिखेंगे और इस पेज को कंप्लीट करेंगे। आपने बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है। अब आज का गृह कार्य सुनिए। पेज 28 पर दी गई कविता याद करें। आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ना है और इसे याद भी करना है। तो आप सबको यह कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।